वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी, सतसंग जी, तुहाडे लई खुशी की गल है। हुण हर ऐतवार नूं सवेरे 10 बजे तो शामी 4 बजे तक बाबा दीप सिंह जी दे घर बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीर्थ रोड श्री अमृतसर साहब विखे चुपहरा जप तप समागम हुंदा है। और किवें बाबा दीप सिंह जी एक एक दे नाल वरतन लग पए ने। अगे महीने च एक बारी असी चुपहरा करदे सां हर महीने की 27 तरीक नूं, उह 27 वाला चुपहरा भी होया करेगा, पर हुण 4 चुपहरे होर नाल बापू दीप सिंह जी ने साडी झोली च पाते। मान लो अगे कोई एक चुपहरा करदा सी, अपने मन च दखदा सी कि मैं 5 चुपहरियां की हाजरी भरनी, तो 5 महीने लगते से। हुण महाराज जी की कृपा दे नाल जिहड़ी अरदास 5 महीनियां दे विच कबूल, वह 5 हफ्तियां दे विच कम हो जाना है। और बाबा दीप सिंह जी, तुहानूं सब नूं पता है, जदों तुसी बजवीं भगती करदे हो, जदों चौंकड़े मार के बहिंदे हो महाराज जी की मेहर के नाल, और चुपहरा जप तप समागम के जदों 5 जपजी साहब जी के पाठ, 2 चौपई साहब जी के पाठ, 1 सुखमनी साहब जी का पाठ, और जदों बजवीं भगती करते हो ना, तुहाडी बजवीं भगती का सदका हुंदा की है, तुसी चुपहरे कटदे हो, बाबा दीप सिंह जी तुहाडे घरां विच पहुँच के एक एक दे दुखां नूं कटदे ने, एक एक दी अरदास नूं कबूल करदे ने। आओ भागां वालेओ, मेरी बेनती, हर ऐतवार नूं सवेरे 10 बजे जो राम तीर्थ रोड साहब ने पहुँचण की कृपालता करनी, हर ऐतवार नूं सवेरे 8 बजे बीबी कौला जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड तो जो बसां गड्डियां दा प्रबंध किया गया, जिहड़ियां तुहानूं राम तीर्थ रोड लै भी आया करनगियां और वापसी ते छड भी दिया करनगियां। और भुल्लिओ ना, 9 बजे दे करीब करीब सारी संगत ने पहुँचना है। ये नहीं कि चुपहरा 10 बजे शुरू होना है, कोई 11 बजे आए, कोई 12 बजे आए, कोई 1 बजे, नहीं नहीं नहीं, 9 बजे दे करीब सब ने पहुँच के तिल फुल लंगर प्रसाद छक के, जिवें स्कूल दे विच डिसिपलिन च आउंदे ने ना बच्चे, अनुशासन च आउंदे ने, बस उस तरह एक टाइम ते 9 बजे तक सब ने पहुँच के जो लंगर प्रसाद छकण तों बाद चौंकड़े मार के बह जाना, 10 तों लैके 4 बजे तक फिर चुपहरा जप तप समागम दीयां हाजरियां भरनियां। और हर ऐतवार बाबा दीप सिंह जी इदां प्रतख वरतन लग पए ने, सब नूं पता है, एक एक दे बंधन नहीं कट रहे, एक एक नूं कईआं दे बंधन कट्टण वाला बना रहे ने। और ऐतवार दा दिन असीं क्यों चुने है, सोमवार भी रख सकते, मंगलवार भी, कोई वार भी रख सकते, इहदे च कोई वहम भरम नहीं। ऐतवार दा दिन तां करके चुनिया गया कि छुट्टी दा दिन हुंदा है, इहदे विच फिर सारे पहुँच सकते ने। आओ हर ऐतवार नूं बाबा दीप सिंह जी दीआं खुशियां लैण वास्ते वहीरा कत्त के बाबा दीप सिंह जी दे घर बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल राम तीर्थ रोड श्री अमृतसर साहब विखे पहुँचिया करो। ये सारा चुपहरा जप तप समागम जो साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल के उत्ते लाइव भी दिखाया जाता है, इहदा लाभ सारे लैणा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 27 तरीक आ रही है सतसंग जी, हर महीने की 27 तरीक असी बाबा दीप सिंह जी के जन्म दिहाड़े के संबंध के बाबा दीप सिंह जी के घर दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीर्थ रोड विखे चुपहरा जप तप समागम करते हैं। इस वारी भी ये चुपहरा जप तप समागम उस तरह ही होएगा। और जिहड़ियां शहर तो या तरन तारण साहब या उधरले पिंडां तो आने वाली संगतां ने, उन्होंने लिए विशेष करके सवेरे 8 बजे बीबी कौला जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहब तो गड्डियां का प्रबंध किया गया, जिहड़ियां संगतां नूं राम तीर्थ रोड ते लै भी आउणगियां और समाप्ति तो बाद उत्थे छड भी देणगियां। भागां वालेओ, सब नूं पता है, असीं जदों बाबा दीप सिंह जी का जन्म दिहाड़ा मनाउने आ ते बाबा दीप सिंह जी बख्शिशां करदे, बाबा दीप सिंह जी दी ते खुशी झोली च पैंदी पैंदी है। और जिथे बाबा दीप सिंह जी दा कोई नाम भी लैणा शुरू कर देवे, उत्थे गुरु रामदास भी आप प्रतख वरतन लग पैंदे ने, आप गुरु रामदास जी बह के झोलियां भरन लग पैंदे ने। ते भरन भी क्यों ना, क्योंकि बाबा दीप सिंह जी एक इहो जी शख्सियत होए ने जिन्हां ने अपना सीस ही गुरु रामदास जी दे चरणां दे विच भेटा चढ़ा दिता। ते आओ अपने पुठे कर्म सिद्धे करवाइए। और हजारां संगतां मैं तुहानूं इहो जिहियां विखा सकदा जिहड़ियां कहणगियां असीं चुपहरियां च हाजरियां भरनियां शुरू कीतियां ते बाबा दीप सिंह जी ने साडा आ कार्ज सवारता। कोई कहिंदा मेरे वीजे लग गए, कोई कहिंदा मेरा वड्डा शरीरक रोग सी ओह दूर हो गया, कोई कुछ, हरेक दे नाल बाबा दीप सिंह जी वरतन लग पैंदे ने जदों तुसीं चुपहरियां विच आ के हाजरियां भरदे हो। भुल्लिओ ना, 27 तरीक नूं सारिया ने मखीरां कट के परिवारां समेत पहुँचना, 9 बजे के करीब करीब सब ने पहुँच जाना, लंगर प्रसाद छक के 10 बजे तो फिर चौंकड़े मार के आपां सब ने बहना, बाबा दीप सिंह जी दीआं खुशियां लैणियां। ये सारा प्रोग्राम साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल के उत्ते लाइव दिखाया जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा
वाहिगुरु जी की फतेह।
सागर परे आराम वाणी गुरबाणी लागे। बोलो बोलो वाणी गुरबाणी लागे तिन हथ छड़िया अमृत तारे
अज दी रैन सबाई दे बच्चों प्यारे ओ
जिहो जी भावना बाबा आनंद सिंह साहब ने बनाई ना गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते, अज ओहो जी भावना अपने घरां नूं लैके जायो। आखो धन गुरु रामदास जी, वेखो बैण दी थां ते हुण है नहीं, तुसीं राह वी तकरीबन बंद रखिआ, मसां ही एक प्रेमी लंघदा इन्नी क जगह ही छड्डी है, तुसीं थोड़ा थोड़ा इधर इधर हो जाओ, थोड़ा थोड़ा इधर भैणा इधर हो जाओ, वीर थोड़ा जिहा उधर हो जाओ। मैनूं पता है तुसीं प्यार विच सजे हो, पर थोड़ा थोड़ा बस इधर थोड़ा थोड़ा हो जाओ, गोडे ठालो, संगतां नूं बहालो, और जिहड़ियां संगतां बाद विच आई जाण उह थल्ले सजदियां जाण। मेरा ख्याल थल्ले भी संगत काफ़ी सज चुकी है, उपर भी गैलरी च बह रही है संगत जिथे जगह मिले। तो किसे प्रेमी ने बिचों हिलजुल नहीं करनी, आपां पूरी रात और 6 घंटे का समा आपां गिणदे हां गुरु जी की मेहर नाल, रैन सबाई का 9 to 3। ये जिहड़ियां भैणां जां जिहड़े वीर अगे बैठे आ ना, 9 प्रोग्राम शुरू होया ते 7-7 बजे दे बह गए कई। आखो धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, किड्डी किड्डी दूरों तुसीं चल के आए हो, तुहाडे प्यार नूं नमस्कार नमस्कार। तो खैर जिहड़ी मैं गल करने आ, अज दी रैण सबाई दे विच्चों जिहो जी भावना गुरु ग्रंथ साहिब जी दे उत्ते बाबा आनंद सिंह साहिब ने बनाई ना, उहो जी भावना सिक्के जायो। जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन करदा ना, उह वी वड्डा है, अच्छा है। असीं सारे दर्शन कर रहे हैं, साढ़े सारिआं च किरपा है, पर महापुरखां दा वचन कहिंदे दर्शन करन वाले तो भी वड्डा उह जिहड़ा दर्शन करन तो बाद अपने मालक नूं पछाण लवे। है जी, वड्डा उह ज्यादा है। हुण तुसीं सियाणे हो, दर्शन ते गुरु नानक दे उहनां लोकां ने भी कीते सी जिन्हां ने गुरु नानक नूं भी पत्थर मारे सी, दर्शन ते कीते ही सी ना, पर भावना नहीं, और भावना तो बिना गल बननी कोई नहीं, बननी कोई नहीं। असीं आए हाँ गुरु पिता के चरणों के विच, ते जेड़ा जेड़ा भावना शरदा की अख नाल आया ना, शरदा का भांडा वड्डा रख के आया ना, मैं सच कह रहा समाप्ति तो बाद उन्हें आपो अपने घर च बाद च पहुँचना है। गुरु रामदास ने बख्शिश दियाँ दोवें मुठ्ठां पहले उहदी झोली च खोल देनियां ने। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਖਿੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਸ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਗੇੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਆਈ ਉੱਠ, ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗਰੰਟੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਗਰੰਟੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੰਗ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ। ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜੇ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲੈ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਓ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਆ ਬਚਨ ਖਿਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸਾਇਓ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਲ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਫਰੂਟ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਜਾਂ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਜਾਂ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਮਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਲਿਆਇਆ ਫਲ ਫਰੂਟ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬਸਤਰ ਲਿਆਂਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ।
ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੁੱਟਿਆ ਕਰੋ। ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਰਾਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦੇ, ਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੁੱਟਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਪਨੇ ਚ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸੈਨ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੀਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ, ਉਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਤ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਸ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੁੱਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ, ਗੱਲ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਗਤਰਾ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਗਤਰਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਹੂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਗਤਰੇ ਪਾਏ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜੇ 1,000-2,000 ਵੱਧ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਵੱਲ, ਤੂੰ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਗਤਰਾ ਪਾਇਆ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਜਾਨਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕਦਾ, ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਨ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਗੱਲ ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ 3-4 ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਰਾਤੀ 10-11 ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ, ਮੈਂ ਬਾਦ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਣੋ, ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਾਤ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਉੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਤੇ ਢੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸੈਨ ਕਹਿਣ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਨਮ, 35 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਮ ਭੋਗਣਾ ਸੀ, 35 ਸਾਲ ਉਹ ਗੇੜ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੱਟਤਾ। ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਸੱਚਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਲਾਭ, ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਿਆ ਕਰੋ ਲਾਭ। ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ, ਐਤਵਾਰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ, ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਮਵਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟ ਲਓ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਚੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਡਬਲ ਡਬਲ ਚੁਪਹਿਰੇ, ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ, ਐਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ
सुखमनी साहब जपजी साहब के पाठ करके बाणी पढ़ के बाबा दीप सिंह जी के दर के उत्ते बह के चुपहरा कट दिया ने। इधरों बाबा दीप सिंह जी के दर से संगत चुपहरा कट दिया, उधरों एक एक दे घर विच पहुंच के बाबा दीप सिंह उन्होंने दुखा नू कटदे ने। कि मेरे बच्चे गुरबाणी जेड़ा गुरु नानक गुरबाणी का खजाना दरगाह चो लेके आया ना उहदे नाल जुड़ गए ने। इन्हां दी झोली मैं भरनी भरनी है जी। हुण तुसी रहण सवाई कट रहे हो, बाहर एडी तेज मीह आ रहा है इस वेले, एडी बारिश हो रही, बस सानू अंदर नहीं पता लग रहा। तुसी बारिश की परवाह नहीं की, एडी वड्डी गिणती च पहुंचे, लाभ लै रहे हो इस खजाने का। जाओ गुरु की कृपा नाल कीना, जदों समाप्ति तो बाद घरां च उठ के जाओगे ना, एक एक दे कम सवारण वास्ते बाबा दीप सिंह एक एक दे नाल ही तुरनगे। इस खजाने का जिन्ना लाभ लै सकते हो लो जी। ये बाबा आनंद सिंह साहब का पहला बचन कहिंदे, किसे दा पिता फल फ्रूट लिआउंदा, किसे दा पिता माया लिआउंदा, किसे दा पिता कपड़े लिआउंदा, गहने लिआउंदा, कहिंदे साडा पिता गुरु नानक दरगाह दे विच्चों साडे लई गुरबाणी दा खजाना लेके आया है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। अगला वचन कमाल दा सुनिओ सुनिओ। बाबा आनंद सिंह साहब कहिंदे, ओ प्यारे हो ओ जीदी गुरु ग्रंथ साहब तो पूरी नहीं ना पई, पूरी नहीं पई जी भाई। कहते ना मैं तो जाना गुरुद्वारे झोली नहीं पूरी। वह प्यारे आ कमी अपने च लभ, गुरु च कमी थोड़ी है, कमजोरी अपनी वेख। ये बाबा आनंद सिंह साहब का वचन है, कहते जीदी गुरु ग्रंथ साहब तो पूरी नहीं ना पई, वह जिधर मर्जी चलिया जाए वो कित भी पूरी पै ही नहीं सकती जी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। कई बार बंदा कहता ना गुरु घर नूं छड्डना, चल दूजियां दा बूहा खड़काउणा, शायद उत्थों झोली भर जाए। और जे तेरी गुरु तो पूरी नहीं ना पई, कितों नहीं पै सकती। जे तेरी इत्थे श्रद्धा नहीं बनी, इत्थे तेरी भावना नहीं बनी, जिधर मर्जी चलिया जा तेरी भावना बनी नहीं सकती, पूरी पै ही नहीं सकती है जी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। मैं महापुरखां दी रसना तो बचन सुने जिहड़ा मैं सुनाउण लगा, अज तो 25-30 साल पुरानी गल है। कहिंदे जामा मस्जिद दिल्ली, उहदे तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी ते एक फकीर वह पुड़ी देंदा सी, पुड़ी विच कोई चीज पा के उहने देनी, ते फिर सारे पासे ये रौला सी कि जेड़ा भी बंदा उहदी पुड़ी नूं अपनी दुकान ते रखदा है जां घर रखदा है उहदे घर विच बरकत आउण लग पैंदी है। ते इक सिख इउं कह लो जिहदी अपने मालक दे उत्ते अजे श्रद्धा थोड़ी जी घट है, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। जिहदी श्रद्धा पूरी होवे उहदे सामने कोई सोने दा भी बन के आ जाए ना, सोने दा भी कहे मैं तेरा गुरु हाँ, उहनूं दूरों मत्था टेक दिंदा है भाई चंगा होएगा अपने घर राजी रहो, अच्छा होएगा अपने घर राजी रहो, पर मेरे लिए मेरा गुरु ते गुरु नानक गुरु रामदास गुरु ग्रंथ साहब होर कोई नहीं। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ओदी श्रद्धा थोड़ी जी घट सी सिख दी, किते कमजोरी आ गई कारोबार दे विच, कर्मां दी खेड घाटे किते पै गए। उन्हों जदों पता लगा इदा जामा मस्जिद तो थोड़ी जी दूरी ते एक फकीर एक पुड़ी देंदा वह भी चलिया गया, बड़ी लाइन लगी। जदों उहदी वारी आई कहिंदा मैनू पुड़ी दिओ, मेरे घर विच बरकत पवे, दुकान ते बरकत पवे, कारोबार चले। तो जिहड़ा फकीर सी ना उहने कहा सिखा मैं सब नूं इह पुड़ी दे सकदा पर तैनूं नहीं देनी, चा चलिया जाए इत्थों। उहने बड़े तरले पाए, फकीर ने पुड़ी ना दित्ती। 5-7 दिन फिर बीते, तंगी सी कारोबार च, फिर चलिया गया। तीजी आरी गया, चौथी आरी जदों हुण गया ना ते ओ फकीर नू इन्ना गुस्सा चढ़िया, धक्के भी मारे इहनू बई जा चलिया जा, तैनू मैं पुड़ी नहीं दे सकदा। पर हुण मुश्किल आई है, अपने गुरु वल ध्यान नहीं जा रहा, आ चीजां वल जा रहा। ये मेरी बेनती है,
उतराइयां चढ़ाइयां ते जीवन दे विच आउंदियां ने, आउंदियां ने। जब तक जान विच जान है ना, आउंदियां ही रहणियां ने उतराइयां चढ़ाइयां। इहदे चों कोई मुनकर नहीं हो सकता, उतराइयां चढ़ाइयां आउणियां ने, आउंदियां ही रहणियां ने जब तक जीवत हां। प्यारिओ जदों उतराइयां चढ़ाइयां दा समां आ जाए ना, अपने मालक दा बूआ ना छड्डो। चढ़ाई दा समां आ गया, मान लो सुख सहूलतां आ गईयां, लोग तेरी गल मनन लग पे, वाह वाह होण लग पई, सोभा वडियाईयां होण लग पईयां, सब कुछ होण लग पे, चढ़ाई दा समां है, उदों भी गुरु दा बूआ ना छड्ड के कहो नानक सब तेरी वडियाई, कहो सारे कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ ना जाने मेरा। महाराज मैं उह ही आ जिन्हों पहले कोई पानी दा घुट भी नहीं सी पुछदा हुंदा। अज जे कोई रंग भाग लाते ने, मेरिया चतराइया थोड़ी सब आप दियां वडियाइया कम कर रही ने। ते हुण मन लो आ गया उतराई दा समा, उतराई दा समा कि शरीर च थोड़ी बहुत आ गई प्रॉब्लम, आ जांदी है ना कई बार, नहीं पता लगता आ गई प्रॉब्लम। उदां ते अरदास करिया करो, बापू परचियां तो बचा के रखे, पर निक्कियां मोटियां ते आउंदियां रहिंदियां ने। हुण आ गई उतराई, कारोबार अगे बहुत चलता सी, हुण थोड़ा जिहा डाउन हो गया, आ गई उतराई जी। शरीर बड़ा वधिया सी पर हुण थोड़ी जी प्रॉब्लम आ गई, आ गई उतराई। बड़े सुख सी हुण थोड़ा जिहा दुख आ गया, आ गई उतराई। प्यारिया तां वी अपने मालक दा लड़ना छड्ड ते मालक नूं कह, मालक पिता जी उतराइयां विच मेरा साथ दिता जे, चढ़ाइयां विच मेरा साथ दिता जे, ते उतराइयां विच भी मेरी बाह ना छड्डियो। मैं इन्ना नेम तुहाडी कृपा नाल करांगा, चढ़ाइयां च मेरा साथ दिता है ना, ते उतराइयां च भी मेरी बाह ना छड्डियो, साडी कदे ना छड्डियो, तेरे बिन रुल जांगे जी। आखो धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, पढ़ियो इदां ही पढ़ियो अज साजा तो बिना, साडी कदे ना छड्डियो बा, तेरे बिन रुल जांगे। बोलो सारे, साडी कदे ना छड्डियो बा, तेरे बिन रुल जांगे। सारी संगत बोलो, साडी कदे ना छड्डियो बा, तेरे बिन रुल जांगे। खंडे आने आ ते तो बिना रुल जांगे, साडी कदे ना छड्डियो बा, तेरे बिन रुल जांगे। बाबा दीप सिंह मेरे पिता, बाबा दीप सिंह मेरे पिता, तेरे बिन रुल जांगे। साडी कदे ना छड्डियो बा, तेरे बिन रुल जांगे। प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह, बापू जी नु कहो चढ़ाइयां वेले बां फड़ी रखी, उतराइयां वेले छड्डना देना, ते ओ बां फड़ के उन्हां दी ही रखदा है जेडे अरैण सवाइयां कटदे ने, जेडे चुपहरे कटदे ने, जेडे बाणी पढ़दे ने, अमृत वेला संभालदे ने, जिन्हां ने अपना आप अंदरों सौंपिया होया है, बाबा जिहो जिहा वी हां ते मैं तेरा ही, बस ये मैं कबूल लिया, मैं कबूलिया, कबूलिया, ते बाबा हुण तू भी ते मैनूं कबूल कर ले, मैं कबूल कर लिया, इन्नी संगत विच कबूल कर लिया, मेरे तो वड्डा पापी कोई नहीं, मैं कबूल कर लिया, बाबा तू भी मैनूं कबूल कर ले, पापी नूं सांभ ले। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, मैं कबूल दा पिता तेरी गोदी विच बैठा कबूल ना, इन्नी संगत विच बैठा कबूल ना, मेरे तो वड्डा विकारी खोर कोई नहीं, मैं विकारी बाबा पर मैनू कबूल ले, कबूल ले, कबूल ले, मैं मन लिया, मैं गुनाहगार रोम रोम करके मैं पापा नाल भरिया पिया, पर मैनू कबूल ले।
ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਬਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਰੁਲ ਜਾਗੇ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਬਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਰੁਲ ਜਾਗੇ ਓ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚੜਾਈਆਂ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਉਤਰਾਈਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡਿਓ ਨੇ ਜੀ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਟੌਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਬਣੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਬਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਰੁਲ ਜਾਗੇ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਬਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਰੁਲ ਜਾਗੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ ਡੋਲਿਓ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਬਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਰੁਲ ਜਾਗੇ ਅਨਖੰਡੇ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਬਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਰੁਲ ਜਾਗੇ ਕੋਈ ਨੀ ਬਾਬਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤੇਰੀ ਧੀਆਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਾ ਨਕੰਮਾ ਵਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕਬੂਲ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਕੰਮਾ ਮੈਂ ਔਗਣਿਆਰਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਮੈਂ ਪਤਤ ਮੈਂ
ਹੰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਦੀ ਆਲਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਬੂਲਿਆ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲੈ, ਕਬੂਲ ਲੈ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸਾ ਫਕੀਰ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ। ਆ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਬਾਬ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਰੁੱਖ ਇੱਧਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੁੜਵਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਮੁੜਵਾਇਆ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਣੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਤੋਰਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਹੈਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਚੇਤੇ ਆਈ। ਦੇਖੋ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਂਜੀ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਓ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਤੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੰਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨੱਚਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹੋ, ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਬਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਰੁਲ ਜਾਵੇ। ਮੰਗੋ, ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਬਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਰੁਲ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੁਪਹਿਰੀ 3 ਕੁ ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਸਟ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛੱਕ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਔਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ, ਉੱਥੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ ਔਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ, ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ 2 ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ 'ਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਈਏ, ਨਾਲ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਈਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ
जो दर्शन भी हो जाए ये बेनती प्रवान करो भुल्यो ना। 1 ते 2 अक्तूबर और फिर मैं दोहरा रहा तुहानू सब नू पता है मेरे कहने की लोड़ नहीं किन्नियां दे रुके हुए काम बाबा दीप सिंह जी बना देंदे ने जदों रैन सबाई च संगतां आके हाजरियां भरदियां ने। आओ वखीरां कत्त के दसां दसां वीआं वीआं नू नाल लैके जिहदी झोली भरी है रैन सबाई विच हाजरी भरन दे नाल दसां दसां वीआं वीआं नू होर लैके आओ बाबा दीप सिंह जी दी गोदी दे विच। आओ एक रात बाबा दीप सिंह जी दे लिखे लाइए और एक रात दे बदले लोक परलोक दे सुख लै जाइए। ये सारा प्रोग्राम साढ़े यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल दे उत्ते लाइव दिखाया जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी धन बाबा दीप सिंह जी धन धन रामदास गुरजन सिरे आतने सवारिया पूरी होई करा मात आप सिरजन हार है तारिया। मेरी बेनती जड़ा मैं मैसेज देन जा रहा ये मैसेज नू वध तो वध शेयर जरूर करियो। प्यारे गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का आगमन पुरब आ रहा 30 अक्तूबर नू इस संबंध के सृष्टि के मालक पिता दीयां खुशियां लैण दे संबंध के सारे जिन्हें भी तुसी जो परिवारक मैंबर रोज़ कीर्तन के मंडल के जुड़ते हो सब नू मैं बेनती करदा कि खुले पाठां दी लड़ी प्रारंभ हो रही है। आप जी अपने अपने घरां दे विच एक एक सहज पाठ जरूर करो 30 अक्तूबर तक। जिहड़े सहज पाठ नहीं कर सकते एक एक प्रेमी रोज़ दे 10 पाठ जपजी साहब जां 2 पाठ सुखमनी साहब दे करे। जिहड़े ये नहीं कर सकते 6 माला मूल मंत्र दियाँ जे ये भी नहीं कर सकते तो 80 माला रोज़ वाहिगुरू वाहिगुरू शब्द दियाँ गुरमंत्र दियाँ फेरनियाँ ने। एक कापी ला लो कापी दे उत्ते रोज़ तुसीं कितना जाप कर रहे हो ये जाप नोट करी चलो। और 29 अक्तूबर नूं टीवी स्क्रीन दे उत्ते नंबर आने शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। 29 अक्तूबर नूं तुसीं दिते हुए नंबरां दे उत्ते संपर्क करके जो मैसेज करके अपने पाठां की गिणती लिखवानी है। 30 अक्तूबर नूं अमृत वेला 18 अक्तूबर तो 30 अक्तूबर तक अमृत वेले दे समागम होने ने रोज़ाना जो 3 तो लैके 5:30 बजे तक बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहब ते 30 अक्तूबर नूं अमृत वेले दे समागमां दी समाप्ति ते इह जिन्नी तुसी बाणी पढ़ोगे जिन्ना तुसी जप तप करोगे इहदी अरदास होएगी। और असी गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी नूं कुछ नहीं दे सकते उन्हां दा आगमन पुरब असी ते मंगते हैं हर वेले उन्हां कोलों लैणा है। पर प्यारिओ गुरबाणी दी भेटा बाणी वध तों वध पढ़ के आपां गुरु चरणां दे विच अपनी हाजरी लवाउणी ते पिता जी दीआं खुशियां लैणियां। भुल्यो ना कापियां ला लो अज तों ही और किन्ना जाप तुसी रोज़ कर रहे कापियां दे उत्ते नोट करी चलो। पिंडां पिंडां शहरां शहरां दे विच टंडोरा दे दिओ तुहाडे घर कोई कम भी करदा है ना उहदी भी कापी लवा दिओ। कोई दुध देण वाला भी आ रहा उहदी भी कापी। एक इनकलाब लै आओ कि इह जो कलयुग दा प्रभाव बहुत ज़्यादा हर जगह ते पिया होया है असी गुरबाणी दा जाप करके ये कलयुग के प्रभाव को घटाउणा है। सनेमर बेनती भुल्यो ना अज तो ही अपनी अपन कापियां लाओ रोज़ का किन्ना जाप तुसी करदे नोट करो ते 29 अक्तूबर तक तुसी ये सारी गिणती ट्रस्ट के नंबरों के उत्ते देने की कृपालता करनी। वो नंबर कुछ दिनों तक टीवी चैनल के उत्ते चलने शुरू हो जाएंगे उन्होंने नंबरों के उत्ते तुसी फिर गिणती देनी 30 अक्तूबर नूं अमृत वेले फिर एड्डी वड्डी गिणती दे विच जदों बाणी दी भेटा दवांगे असी गुरु रामदास जी दे आगमन पुरब ते ते गुरु रामदास करनगे कि साढ़े सारिआं दी झोली दे विच लोक परलोक दीआं दातां पाउणगे। ये बेनती है वध तों वध ये सुनेहे नूं शेयर करियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी धन बाबा दीप सिंह जी सतसंग जी बेनती आप जी दे चरणां दे विच दास दा बेटा हर सह सिंह और बेटी हर सिफत कौर दोवां ने यूट्यूब दे उत्ते चैनल बनाए ने हर सह सिंह वलॉग्स ते हर सिफत कौर। मेरी बेनती ये दोवें चैनलों नूं सबसक्राइब भी करना और अगे शेयर भी करना। जिहड़े साडी फैमिली दे नाल जुड़ना चाहुंदे ने परिवारक मैंबर बनना चाहुंदे ने जरूर इस चैनल नूं सबसक्राइब करियो। दोवें चैनलों के उत्ते रोज़ बच्चे नवें नवें व्लॉग पाउंदे ने और संगतां बड़ियां असीसां दे रहियां बड़ा प्यार दे रहियां ने। ये बेनती भुल्यो ना हर सह सिंह व्लॉग्स ते हर सिफत कौर व्लॉग ये चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी धन बाबा दीप सिंह जी सतसंग जी ये जरूरी मैसेज नूं सुनियो भी और शेयर भी करियो। मेरी बेनती जदों भी अमृतसर साहब आओ जिन्नी वारी भी आओ बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट
दाताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल राम तीरथ रोड विखे जरूर चरण पा के जाया करो और अपनी अखा नाल वेखो कि मैं इत्थे सेवावां दा कुंभ चल रहा है। मैं जिहड़ी विशेष बेनती करन लगा इहनूं ध्यान नाल सुणियो। साडे कोल जदों वड्डे पद्धर दे उत्ते असीं कोई समागम करदे हां, चुपहरा जपतप समागम जां कोई रहिण सभाई समागम करदे हां, साडे कोल संगत नूं बिठाउण वास्ते वड्डा हाल नहीं सी। इसे चीज़ नूं मुख रख के बाबा दीप सिंह जी की कृपा का सदका इस जगह दे उत्ते राम तीरथ रोड दे उत्ते जिथे सेवावां दे बेअंत कार्य चल रहे ने, हुण एक नवा उपराला किया गया घट तो घट 7-8 हज़ार संगत बैठ सके, एडा वड्डा विशाल दीवान हाल जो बनाया जा रहा और इहदी जो उसारी है जोरां शोरां ते शुरू हो चुकी है। मेरी सारे परिवारक मैंबरां दे चरणां दे विच सनेमर बेनती प्यारे हो, बाकी दे सारे खर्चियां नूं संकोच के आप जी घट तो घट एक एक मैंबर एक तेरी दी हाजरी जरूर लावे 1300 दी, और जिन्हां नूं पिता जी ने वध समर्था दित्ती है भावें 2 तेरियां 10 तेरियां 50 तेरियां 100 तेरियां जिन्ना भी तुसीं वध तो वध सहयोग दे सकते हो ना जरूर देना, क्योंकि ये करोड़ों का प्रोजैक्ट है और ये कोई मेरा निजी काम नहीं, ये संगत दे कारज ने, पंथ दे कारज ने और ये गुरु रामदास ते बाबा दीप सिंह जी दे कारज ने। ये सारिया ने मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ देना और ये किसी ने भी ढिल मठ नहीं करनी, क्योंकि ये बाबा आनंद सिंह साहब का वचन है, महापुरखों का वचन है। केंद्र जदों तुसी संगत दे कारज दे लई कुछ करते हो ना, संगत की फिक्र करते हो, क्योंकि इत्थे संगत ने बहना है, संगत ने कीर्तन नाल जुड़ना है। जदों तुसी संगत का ख्याल रखते हो तो गुरु रामदास बाबा दीप सिंह तुहाडा ख्याल रखते हैं। तुसी संगत दे बहन की जगह दे विच अपना हिस्सा तिल फुल पा दिओ, तुहाडे लोक परलोक दे विच पर्दे टक्कण की जिम्मेवारी गुरु रामदास अपने सिर ते लै लैणगे। भागां वाले हो, ये मेरी निम्रता सहित बेनती है, जो ये वड्डा यग मेरे मन की भावना है, जल्दी तो जल्दी ये हाल बन के तैयार होवे और संगतां इहदे विच कथा कीर्तन सुनन लाभ लैण। और ये इच्छा है दास की कि जिहड़ा बिल्कुल भी दसवंद नहीं ना कढ़दा, वह भी जदों अपने जो जेब खर्चे दे विच्चों दसवंद कढ़ के इस सेवा दे कुंभ दे विच हिस्सा पाएगा, किसी ना किसी ढंग नाल उहदी भी सांझ गुरु रामदास दे नाल बाबा दीप सिंह दे नाल बन जाएगी। आओ भागां वालिओ, ये सारे कारजां नूं संकोच के मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के ये पंथक कारज दे विच सहयोग देण दा समां है। जिवें बाबा सेवा सिंह जी महापुरख गुरु के महल की उसारी चल रही सी, रिक्शियां वालियां दे कोल सेवा कट्ठी करन वास्ते तुर पए, तो सेवादारा ने कहा महापुरखो आप जी रिक्शे वालियां दे कोलों सेवा कट्ठी कर रहे हो, कोई 25 पैसे दे रहा, कोई 50 पैसे, कोई 1 रुपया, साढ़े कोल ते इन्ने वड्डे वड्डे संगी बैठे ने, कोई 5 हज़ार देंदा, 10 हज़ार, कोई 1 लाख रुपया दे रहा, ये रिक्शे वालियां कोलों इदां सेवा क्यों कट्ठी कर रहे। तो बाबा सेवा सिंह जी महापुरखां ने बचन किया, कहण लगे प्यारे आ असी चाहुंदे आ कि ये रिक्शे वाले का भी किसी ना किसी ढंग नाल भला हो जाए। केंद्र जदों ये दिते दसवंध विच्चों 2 इट्टां भी गुरु के महल की कार सेवा दे विच लग गई, उसारी दे विच लग गई, उस इमारत दे विच लग गई, तो यदि भी सांझ गुरु तेग बहादुर साहब के घर के नाल बन जाएगी। तो आओ गुरु रामदास बाबा दीप सिंह के घर के नाल सांझ बनाउण दा वेला आया, वध तो वध आप जी ने सहयोग करना। TV स्क्रीन के उत्ते नंबर चलते हैं, इन्हां नंबरां दे उत्ते आप जी ने जो अपनी सेवा Paytm गूगल पे फोन पे भी कर सकते हो, और अकाउंट डिटेल भी TV स्क्रीन दे उत्ते चल रही स्क्रीनशॉट लै लो, इहदी फोटो खिंच लो और अपनी सेवा तुसीं इन्हां अकाउंटां दे विच पा के सानू दित्ते हुए नंबरां दे उत्ते मैसेज जरूर कर देना, असीं इन्नी सेवा जो भेजी है ट्रस्ट नूं तां जो तुहानू रसीद ते सत्कार समय सिर पहुँचाया जा सके। और एक विशेष बेनती आप जी इस सेवावां दे कारजां दे विच पक्के महीनावारी डोनर भी बन सकते हो कि हर महीने असी ट्रस्ट नूं इन्ना दसवंध भेजना ही भेजना है, वह नंबर भी तुहाडे TV स्क्रीन दे उत्ते फ्लैश हो रहा है। आप जी इस नंबर दे उत्ते फोन करके मैसेज करके कि असी इन्ना दसवंध हर महीने ट्रस्ट नूं भेजिया करांगे, आप जी अपना मैसेज दिओ और साडे वल्लों तुहानूं फिर डोनर नंबर दे दिता जाएगा कि तुहाडा इन्ना नंबर डोनर है, फिर उस मुताबक तुसी हर महीने अपनी सेवा ट्रस्ट दे अकाउंट दे विच पा सकते हो। ये मेरी बेनती मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के आओ इस मुहिम दे विच शामिल होइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।